ये तस्वीरें आ रही हैं पुणे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त हम देख सकते हैं पूरे विधि विधान से दगड़ूशेठ गणपति मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। तो देखिए मौका बहुत खास है, आज एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। और ऐसे में लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के सम्मान समारोह से पहले गणपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं पीएम मोदी। शमी पत्रम समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः। श्रीकृष्ण परमानं पूर्णं कर्तुं स्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि। महागणपतये नमः। शमीपत्रं समर्पयामि। ओं गंगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजीव सिंह, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जरा पूरा कार्यक्रम क्या है बताएं, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं गणपति मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तस्वीरें कब दिखेंगी जब एक साथ एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार दोनों होंगे? पुष्पम समर्पयामि महागणपतये नमः। शमीपत्रम। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो दगड़ूशेठ गणपति मंदिर में हैं, जहां पर पूजा अर्चना चल रही है। और इस पूजा अर्चना आरती के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एसपी कॉलेज पहुंचेंगे। आपको तस्वीर दिखा देते हैं, ये वो एसपी कॉलेज है पुणे का, तिलक रोड पर ही मौजूद है। और इसी तिलक रोड पर मौजूद जो ये कॉलेज है, इसी कॉलेज में उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जिस तरह से उनका एक सामाजिक और राजकीय कार्य रहा है। और ऐसे में यहाँ पर उनके साथ मंच पर शरद पवार होंगे। और यही सबसे बड़ा आकर्षण इस वक्त बना हुआ है कि आखिर शरद पवार पीएम मोदी के साथ में कैसे मंच साझा कर रहे हैं। इस बात को लेकर जो इंडिया गठबंधन के उनके साथी दल हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि तमाम बड़े नेता अगर मंच पर होंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई राजनीतिक बात भी सामने आए। क्योंकि एक तरफ लगातार शरद पवार जो है पीएम मोदी का विरोध करते रहे, उनकी नीतियों का विरोध करते रहे, यहां तक कि उन्होंने बीजेपी के साथ ना जाने की बात लगातार दोहराई, लेकिन एनसीपी में बगावत हुई, अजीत पवार एनसीपी का एक धड़ा लेकर अलग हुए और आज सरकार में है, खुद अजीत पवार भी उस मंच पर रहेंगे। ऐसे में सबकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, स्पीच जो निर्धारित की गई है उसमें शरद पवार का भी भाषण रखा गया है, ऐसे में शरद पवार अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं, पीएम मोदी क्या कहते हैं और इसका एक बड़ा संदेश क्या निकल कर जाता है, इस पर जरूर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल अभी गणपति मंदिर में मौजूद हैं मोदी प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद में इस कॉलेज में आएंगे, और उसके बाद इस कॉलेज के कार्यक्रम के बाद में यहां से वो शिवाजी नगर जाएंगे। अच्छा राजीव, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिलना है और शरद पवार इस समारोह के चीफ गेस्ट हैं, तो शरद पवार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेंगे? बिल्कुल, जो जानकारी अभी तक दी गई है उसके मुताबिक शरद पवार के हाथों ही जो है पीएम मोदी का सम्मान होगा। ऐसे में ये तस्वीरें बड़ी ऐतिहासिक देश की राजनीति के नजरिए से होगी।